नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश तिवारी और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ लेखिका सुषमा व्यास जी। सुषमा जी, आपका स्वागत है। नमस्ते जी। नई हिंदी लिखी जा रही है, पढ़ी जा रही है और पसंद भी की जा रही है, तो नई हिंदी आखिर क्या है? आम जन की भाषा तक पहुंच जाए, वही नई हिंदी कहलाता है। जैसे क्षेत्रीय भाषा है, ग्रामीण भाषा है, खाटी भाषा है, प्रादेशिक भाषा है, इन भाषाओं में जो साहित्य लिखा जा रहा है वो नई हिंदी कहला रहा है। जो पुरानी हिंदी थी वो कठिन हिंदी थी, उसमें बोलियों को, क्षेत्रीय भाषाओं को मिलाकर एक सरल हिंदी बनाई गई, वही नई हिंदी है। वैसे नई हिंदी का नाम सन 1900 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो सरल भाषा की हिंदी थी उसको नई हिंदी का नाम दिया था। उसके बाद जो भाषा आई वो संस्कृतनिष्ठ, गरिष्ठ और क्लिष्ट भाषा थी। इसमें उर्दू और फारसी शब्दों का भी समावेश था, लेकिन फिर आजकल के कुछ युवाओं ने अंग्रेजी साहित्य को छोड़कर हिंदी में आम चलन की जो भाषा है, जो आम बोली जाती है बोली, उस पर अपना साहित्य लिखना चालू किया। उस पर कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे और वो काफ़ी पसंद किए गए, सराहे गए, वही आजकल नई हिंदी है। आपने कहा कि युवा पीढ़ी नई हिंदी की ओर आकर्षित हो रही है, तो लेखन के क्षेत्र में भी नई हिंदी लिखने वाले लोग उभर रहे हैं क्या? इसमें बेस्ट सेलर की उपाधि भी मिल रही है, जैसे सत्या व्यास है जिनका बनारस टॉकीज काफ़ी फेमस हुआ है। इसी तरह संदीप नैयर ने, बर्मिंघम के रहने वाले हैं लेकिन उन्होंने अंग्रेजी साहित्य छोड़कर हिंदी साहित्य में डार्क नाइट लिखा है। प्रियंका ओम ने वो अजीब लड़की कहानी संग्रह लिखा है। इसी तरह गीताश्री की जो कहानियाँ हैं वो भी नई हिंदी में काफ़ी सराही जा रही है, जो कि नारी समस्या पर, आधुनिक नारी की समस्या पर बेखौफ और बिना डरे बेहिचक लिखी जा रही है और वो काफ़ी पसंद भी की जा रही है। पुरानी हिंदी के बीच नई हिंदी को जगह बनाने के लिए अभी और वक्त लगेगा? अभी वक्त तो लगेगा, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो अंग्रेजी साहित्य ज़्यादा पढ़ते हैं और हिंदी पढ़ने, बोलने और समझने में उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। परंतु हिंदी में कुछ प्रादेशिक भाषाओं का समावेश करके, या वो जहाँ रहते हैं उन भाषाओं में कुछ मिलाकर जब युवा लेखक लिख रहे हैं तो युवा उसकी तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं, बल्कि आम जन जो है वो भी आकर्षित हो रहा है और वो पाठक पढ़ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। आपका ये कहना है कि नई हिंदी में जो साहित्य रचा जा रहा है या लिखा जा रहा है वो पाठकों को अपनी ओर तेजी से खींच रहा है, तो क्या एक बड़ा पाठक वर्ग नई हिंदी का पाठक वर्ग हो गया है? जी हाँ, नई हिंदी का बड़ा पाठक वर्ग हो गया है और अंग्रेजी साहित्य को छोड़कर हिंदी साहित्य की ओर मुड़ रहा है। तो ये थी वरिष्ठ लेखिका सुषमा व्यास जी, जो नई हिंदी में लेखन कर रही हैं और इनका ऐसा मानना है कि नई हिंदी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है।